आप जानते ही हैं कि हम लोगों के मध्य ज्योति मिर्धा जी हैं जो आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हो रही हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। ज्योति मिर्धा जी का आप सबसे परिचय भी है ही, आप बहुत ही वरिष्ठ नेता नाथुराम मिर्धा जी की पोती हैं। 2009 से 2014 तक नागौर लोकसभा से कांग्रेस पार्टी की तरफ से आप सांसद रही हैं, आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रही हैं, उनका स्वागत है। साथ ही सवाई सिंह चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं, आप रिटायर्ड आईपीएस अफसर हैं। साथ ही आपके पिताजी महाराम चौधरी जी 1980 से 85 तक नागौर विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे हैं, हम आपका भी स्वागत करते हैं। सवाई सिंह चौधरी जी, इस अवसर पर हम लोगों के मध्य भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय अरुण सिंह जी हम लोगों के मध्य हैं, भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के अध्यक्ष आदरणीय सीपी जोशी जी हम लोगों के मध्य हैं, हमारे बहुत ही लोकप्रिय सांसद भगीरथ चौधरी जी हम लोगों के मध्य हैं। सर्वप्रथम मैं आदरणीय अरुण सिंह जी और अपने राजस्थान के अध्यक्ष सीपी जोशी जी से आग्रह करूंगा कि आप ज्योति मिर्धा जी का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करें, पार्टी की सदस्यता की पर्ची देकर और बुके देकर उनका स्वागत करें। मेरा आदरणीय अरुण सिंह जी और सीपी जोशी जी से आग्रह है कि सवाई सिंह चौधरी जी को भी पार्टी की सदस्यता की पर्ची देकर उनका अभिनंदन करें। मेरा हमारे राजस्थान के अध्यक्ष सीपी जोशी जी से आग्रह है कि इस अवसर पर उपस्थित मीडिया के साथियों को संबोधित करें। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राजस्थान के प्रभारी माननीय अरुण सिंह जी, माननीय बलोनी जी, भागीरथ चौधरी जी, बाबा की पोती और नागौर की ज्योति, उत्तर भारत में एमरजेंसी के समय जो एकमात्र सीट जीते थे, जिन्होंने किसानों के कल्याण के लिए अनेक काम किए, ऐसे नाथुराम मिर्धा जी के परिवार से मैं भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से ज्योति मिर्धा जी का, जो 2009 से 14 सांसद रही और सवाई सिंह जी जिनके पिताजी विधायक रहे, प्रधान रहे, ये भी चुनाव लड़े, दोनों का मैं राजस्थान भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। नेता नीति नियत और नेतृत्व का अभाव कांग्रेस पार्टी में देखकर, जहां कुशल नेतृत्व है, जहां नीति स्पष्ट है, जहां मजबूत नेतृत्व है, ऐसी पार्टी का दामन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की कल्याणकारी नीतियों को स्वीकार करते हुए माननीय ज्योति जी ने और सवाई सिंह जी ने आज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की।
और एक ऐसे समय जब राजस्थान में महिला चित्कार मार रही है, कांग्रेस पार्टी की महिला विधायक भी कह रही कि हम असुरक्षित हैं, ऐसे में आज दोनों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। मैं पूरी पार्टी की ओर से, राजस्थान परिवार की ओर से दोनों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और मैं सोचता हूं जिस प्रकार की स्थितियां राजस्थान की हैं, उनसे खिन्न होकर जहां महिला न तो घर में, न खेत में, न खलियान में, न हॉस्पिटल में, न एम्बुलेंस में, रक्षक ही भक्षक जहां बने बैठे हैं, ऐसी स्थितियों में आपने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। मैं पूरे परिवार की ओर से दोनों का स्वागत अभिनंदन करता हूं। बहुत धन्यवाद। आदरणीय अरुण सिंह जी से भी आग्रह है। अरुण सिंह जी राष्ट्रीय महासचिव के साथ हमारे राजस्थान के प्रभारी भी हैं। अरुण सिंह जी से मेरा आग्रह है कि मीडिया के साथियों को संबोधित करें। भारतीय जनता पार्टी का परिवार आज और बड़ा हुआ है और ज्योति मिर्धा जी के आने से राजस्थान भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत हुई है। हम भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में आपका अभिनंदन करते हैं और सवाई सिंह चौधरी जी आपका भी अभिनंदन करते हैं। राजस्थान में जिस प्रकार से महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की घटनाएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं, प्रतिदिन 16 से 17 बलात्कार की घटनाएं घट रही हैं। अभी गंगापुर में दो दिन पहले महिला को किडनैप किया गया, किडनैप करने के बाद गैंगरेप किया गया और निर्वस्त्र कर दिया गया, एक दो दिन पहले की घटना है। और जब प्रियंका गांधी उसी स्थान पर गंगापुर में आ रही थी तो सुबह पुलिस का स्टेटमेंट आता है कि न महिला अपने मर्जी से गई थी, जबकि महिला को निर्वस्त्र करके जो पुलिस वाले थे जीप का अपना लेदर उसको फाड़ करके महिला को पहनाने का काम किए। और शाम को आईजी का स्टेटमेंट आता है कि हाँ महिला का अपहरण किया गया और गैंगरेप किया गया, निर्वस्त्र किया गया। तो केवल प्रियंका गांधी के दबाव में गहलोत जी ने एक झूठा स्टेटमेंट पुलिस के द्वारा दिलाया कि नहीं, इस प्रकार की घटना ऐसी नहीं थी। शाम को आईजी उस घटना को पूरी तरीके से व्यवहार करते हैं कि ऐसी घटना घटी। जब प्रदेश का मुखिया ही इतना बेशर्म हो जाए कि महिला के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, उन अत्याचार को दबाने के लिए अगर वह पूरी ताकत लगा दे और पुलिस वाले केवल समझौता का काम करा रहे हैं। मित्रों, मैं आपको सबको बताना चाहूंगा कि अभी ज्योति मिर्धा जी ज्वाइन किए हैं, बहुत ही लोकप्रिय नेता है कांग्रेस को छोड़ करके। इससे पहले कि पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया जी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किए, कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री पहाड़िया जी उनके सुपुत्र भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किए, ऐसे अभी तक 40 लोग भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किए और लगातार ज्वाइन करने का सिलसिला बढ़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी का परिवार बढ़ रहा है। स्पष्ट संदेश देता है कि राजस्थान में परिवर्तन की हवा चल रही है और वह कांग्रेस के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। आपका पुनः पार्टी के मुख्यालय में आप सब का अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मित्रों, आप सभी को जानकारी में है कि राजस्थान के अंदर हमारी परिवर्तन यात्राएं चल रही है और बहुत उसको जन समर्थन भी मिल रहा है। राजस्थान के अंदर सभी राजनीति से जुड़े जो कार्यकर्ता हैं वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहते हैं और इस विकास की बयान में शामिल होना चाहते हैं। इसी कड़ी में आज ज्योति मिर्धा जी ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई है। मेरा उनसे आग्रह है कि मीडिया के साथियों को संबोधित करें। नमस्कार साथियों, मैंने जब मेरा राजनीतिक जीवन शुरू किया था और अगर आप लोग रिकॉर्ड निकाल करके देखेंगे कि कोई फर्स्ट टाइम सांसद की अगर परफॉर्मेंस पार्लियामेंट में देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ, मैंने वहां पर एक छाप छोड़ने की अपनी कोशिश करी थी। लेकिन उसके बाद से परिस्थितियां बहुत बदल गई, चाहे देश के लेवल पर देखें, चाहे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर देखें, चाहे राज्य में देखें और चाहे मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में देखें। परम आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कुशल नेतृत्व दिया उसकी वजह से हमारे देश की साख
वैश्विक स्तर के ऊपर एक अलग ही दिशा में पहुंची, एक अलग ही लेवल तक पहुंची है, और एक जिसको कहते हैं एक डिसाइसिव सा नेतृत्व मिला पार्टी को। उसके विपरीत हमारी पार्टी जो थी वो पिछले कुछ समय में हम लोग अपनी अपनी बात रखते गए, कभी सुनी जाती थी कभी नहीं सुनी जाती थी, लेकिन उस दिशा से बिल्कुल विपरीत डायरेक्शन में मूव करने लगी थी। तो जो एक एम लेकर के हम शुरू हुए थे कि भाई राष्ट्र निर्माण के अंदर अपनी एक भूमिका निभाना चाहते हैं, चाहे कितनी भी छोटी हो चाहे कितनी भी बड़ी हो, चाहे वो किसानों के लिए हो चाहे महिलाओं के हित के लिए हो, तो वहां पर अब वो अपॉर्चुनिटी मुझे कम दिखाई दे रही थी। आज जो परिस्थिति राजस्थान में है विशेष तौर पर, चाहे महिलाओं को लेकर के, महिला अत्याचार को लेकर के, चाहे हमारे खुद के जो कार्यकर्ता है उनकी जो अनदेखी है उसको लेकर के, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को लेकर के, तो जैसा कि अभी आदरणीय अरुण सिंह जी ने बताया कि कई लोग ऐसी घुटन महसूस कर रहे थे और उन्होंने कांग्रेस का परिवार छोड़ करके बीजेपी को अपनाया है। आज मंच पर हमारे अरुण सिंह जी उपस्थित हैं, हमारे राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सीपी जोशी जी यहां पर उपस्थित हैं, सांसद भागीरथ जी, आपके सांसद बलूनी जी, केंद्रीय नेतृत्व ने जो मुझ में विश्वास जताया है और आप लोगों ने जो आज मुझे यहां पे पार्टी की सदस्यता दिलवाई है, मैं आपको सिर्फ यही विश्वास दिलाना चाहती हूं कि आपने जो विश्वास दिखाया है सब 2023 के इलेक्शन में, 2024 के अंदर हमारी तरफ से जो भी प्रयास बन सकेगा हम करेंगे कि पार्टी को और संगठन को मजबूत कर सकें, राष्ट्र निर्माण के अंदर जो भी छोटी बड़ी भूमिका निभा सकें, जो भी पार्टी के एक सच्चे सिपाही की तरफ से तरह से काम करके और हमारा सहयोग कर सकें उसके लिए हम तत्पर रहेंगे, यही विश्वास मैं आपको दिलाना चाहती हूं। और जो ये मौका यहां मिला है इसके अंदर अपना पूरा प्रयास लगाऊंगी कि एक मजबूत सरकार राजस्थान में आए, केंद्र में वापस से बीजेपी की सरकार रिपीट हो, हमारे प्रधानमंत्री जी को एक बार पुनः देश का नेतृत्व करने का मौका मिले ताकि भारत और भी बड़ी ऊंचाइयों को छू सके। और साथ ही मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी प्रधानमंत्री जी का, हमारे आदरणीय नड्डा जी का, अमित शाह जी का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया है कि मैं पार्टी ज्वाइन करूं और आप लोगों के बीच में आज यहाँ हाजिर होकर के और अपनी बात यहाँ पर रख सकूं। आप सभी मीडिया के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।